महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लाइफ में। जैसे हमें ये कैसे पता चलेगा, काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं, काफ़ी हम कर रहे होते हैं, तो ये जो आपने कई बार कहा भी है कि जो हम कर रहे हैं हमारा कर्म है और कर्म के आधार पे जीवन चलता है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ें हमारे कर्म हैं और जो हम कर रहे हैं, और कई चीज़ें जो हमारे साथ हो रही हैं तो उनके करने और होने का ये अंतर कैसे पता चलेगा। मतलब जैसे मैं एक्चुअली मेरा नाम दीपक जैन है और मथुरा में ही मेरा मैं इंग्लिश मेनिया नाम से एक इंस्टीट्यूट है इंग्लिश का, एंड आई एम एन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश सिखाता हूँ मैं। तो मैंने ये लैंग्वेज को सीखा, मेहनत की मैंने, फिर इंस्टीट्यूट चलाया मैंने, तो इसके मैं मतलब ये मेरा कर्म था या ये मेरी किस्मत थी पहले से लिखा हुआ, तो आप इसको किस वे में लेंगे? नहीं, भाषाएं तो देखो करने से सीखने से अभ्यास से सब आता है, तो अभ्यास से हमें ये बोलना बताना क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो ये हमें अभ्यास से कर्म तो हम करें तो ये भाषा है ना, हमें ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हो तो अच्छी बात होती है। तो ये जो मैंने सब सीखा तो क्या ये मेरा कर्म और मेहनत थी या ये भाग्य था? नहीं, मेहनत तो है कर्म भी है पर अच्छा है। भाग्य तो जो आपको सुख दुख मिलेगा वो भाग्य के अनुसार मिलेगा। भाषा वाषा जो सीखा है, जो टैलेंट है, जो गुण है, उस गुण से आपको जितना प्रॉफिट होगा, जितना आप कमाएंगे उतना ही कमा पाएंगे जितना आपके लिए ईश्वर ने तय कर रखा है। महाराज जी ये मैंने इसलिए पूछा आपसे, जैसे ये सब मेरे लाइफ में हुआ लेकिन कई साल पहले एक समय ऐसा था, स्ट्रगल का समय था, तो मैंने अपने इंटरमीडिएट में ट्वेल्थ में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी परिस्थितियों की वजह से। तो तब मैं एक ज्योतिषी थे उनसे मिला, हस्तरेखा जो देखते हैं, तो उन्होंने कई साल पहले ये बात कही थी और मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी कसम खा के। उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन में पढ़ोगे और बहुत पढ़ोगे और उसके बाद आपकी नौकरी भी लगेगी। तो मैं एक विदेशी कंपनी में नौकरी भी लगी मेरी, और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग उसमें सॉरी नौकरी में मन नहीं लगेगा, फाइनली तुम अपना बिजनेस करोगे और उसमें सफलता मिलेगी। और बिल्कुल वैसा ही फिर होता चला गया बाद में। तो फिर इस बात को मैं क्या समझूं कि हमारा कौन सा कर्म है और क्या किस्मत है? आप रास्ता भटक गए थे तो भगवान ही किसी ना किसी रूप में आपको आपके रास्ता बता के चले गए कि आप ऐसे ऐसे चलो, लेकिन उनके बताने से नहीं। फिर वो ये चीज़ें बहुत साल बाद हुई, ये नहीं कि मैंने उनके कहने से किया, वो वैसी की वैसे मेरे लाइफ में घटित हो गई। तो मतलब अर्थात क्या हम लोग सिर्फ कठपुतली हैं क्या? हाँ, लिखा ही है सब ही नचावत राम गोसाई, सबको भगवान ही नचाते हैं, लेकिन पहले से तय। लेकिन कई बार आपने ये कहा है, नहीं हम कर्म से, जैसे आपने अपनी कथाओं में कहा है जैसे हमें कार दी है भगवान ने, तो सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है पर वो हमारी कर्म से हमारी बुद्धि से चल रही होती है, वो तो हमने उसे गलत चलाया या ध्यान नहीं दिया तो एक्सीडेंट होगा, जाहिर सी बात है। तो उसमें आप जैसे कर्म का दोष बताते हैं, तो फिर कहाँ कर्म का दोष है कि और कहाँ भाग्य का? देखिए भगवान के हिसाब से सब चल रहा है, ठीक है, पर जो छोटे मोटे निर्णय हैं कि हमें यहाँ सत्य बोलना है कि झूठ बोलना है, यहाँ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये हम पे निर्भर करता है कि हम अपने निर्णय छोटे छोटे भगवान ने हमें समझ दिए तो हम अपने निर्णय लेते चले, बाकी सब ईश्वर के अनुसार ही चल रहा है। जो जैसा कि आपने कहा और हमने समझाया वो बिल्कुल सही है, तो उसी आधार पे समझते चलिए। अच्छा अमर जी एक सवाल और है मेरा, जैसे ये जो कॉन्सैंग्विन मैरिजेस होती हैं, अर्थात ये जो क्लोज रिलेशन में मैरिज होती हैं चचेरे ममेरे में, तो ये हमारे शास्त्रों में मना है ना, तो ये मतलब वाकई में ये गलत है? और अगर ये गलत है तो जैसे हमारे अर्जुन और उनकी सुभद्रा की शादी हुई थी तो ममेरे भाई बहन हो गए वो, तो क्या ये उचित था? माता कुंती का दान कर दिया था ना उनके पिता ने बचपन में, तो कुंती भोज नाम के राजा को दान किया था, कुंती को, कुंती के पिता ने। तो दान जब कोई कर देगा, अपना बच्चा आपको दे देगा, तो फिर वो बच्चा आपका हो जाएगा, आपके नाम आपके गोत्र से जाना जाएगा, है ना।
तो वहां पर ये दोष खत्म हो जाएगा, इसलिए हो गया विवाह। लेकिन रिलेशन तो रहता है ना, फिर ना भी। दान कर दिया वो सब आपका हो गया है ना, तो वो दान हो गई थी कुंती माँ, इसलिए दोष नहीं है। तो दान कर दिया बचपन में छोटी सी थप, हाँ छोटे में, जैसे कोई बहन भाई हो, बहन को दान कर दिया तो क्या फिर भाई बहन की भी हो जाएगी क्या? यहाँ भाई बहन का तो मैटर ही नहीं है ना, पर वो भी वैसे फिर भी रिलेशन में भाई बहन तो थे ही। कौन? ये अर्जुन और सुभद्रा ममेरे थे, पर थे तो थे। वो दान कर देने से दोष नहीं है ना उनका, वो दान कर दिया ना माता कुंती को, हाँ। उनके पिताजी ने, इसलिए तो वो दान, इसलिए वो दोष नहीं है। तो दान देने से वो रिलेशन फिर खत्म हो गया भाई, नाम गोत्र सब ना बदल गया भाई। आपको किसी ने दान ले लिया, आप किसी के, किसी ने आपको गोद ले लिया, तो नाम गोत्र सब ना बदल जाएगा, फिर आप ही उनके माता पिता माने जाएंगे कि अब ये बच्चा मेरा। मगर वो जन्म से तो भाई बहन ही थे, ममेरे सही, मगर थे तो सही। हाँ जन्म से तो संबंध है, पर वो चूंकि दान कर देने के बाद दोष खत्म हो गया। और इसी में जैसे दूसरे धर्मों में है, इस्लाम वगैरह, वहाँ जो कॉन्सेंग्विन मैरिजेस होती हैं, ये अलाउड होती हैं, मतलब चचेरे तक वो कहते हैं कि चल जाता है, तो क्या फिर, यानी अगर इस कहानी को देखा जाए, और परीक्षित और ईरावती में भी ऐसी था, तो क्या उनमें भी कुछ ऐसी था, दान का मैटर था क्या कोई? देखो वहाँ भी कोई ना कोई बात रही होगी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि सम गोत्र में भी विवाह नहीं होता। हाँ। हमारे यहाँ तो सम गोत्र में भी बच के चलते हैं विवाह में। हाँ। तो अभी ये मान्यताएं हैं, तो कहीं ना कहीं प्रमाणित हैं, तब तो हैं। हाँ। नहीं होती प्रमाणित तो कैसे मान्य होता? ये साइंस के हिसाब से, जैसे कुरान, मैंने कुरान को भी स्टडी किया हुआ है, तो वो ये कहते हैं कि जैसे एक फैमिली अलग, यानी चाचा की लड़की के बाद में या मामा की, तो उसके बाद ये इसमें कोई भी खतरा या पाप मतलब नहीं रहता। उनके हिसाब से वो सही होगा, हमारे हिसाब से तो समगोत्र भी बच के चलते हैं। लेकिन ये सबकी अपनी अपनी मान्यता है ना। हाँ। अब हमारे भारत में भी दक्षिण भारत की कुछ परंपराएं अलग हैं शादी। हाँ। विवाह को लेकर हमारे यहाँ उत्तर भारत में अलग परंपराएं हैं, हमारे उत्तर भारत में भी कुछ कुछ समाजों की अलग परंपराएं हैं कि भाई उनकी समाज में ऐसा होता है। तो सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, जिसको जो अच्छा लगा वो लोगों ने वो परंपराएं अपना ली। लेकिन फिर पाप पुण्य वाली बात आ जाती है। पाप पुण्य तो फिर जो है वो तो शास्त्र जो कहते हैं फिर वही सत्य है, फिर तो वो जो हम करें भले परंपरा का नाम दे दें पर वो तो गलत ही कहलाएगा। और मैं ये बात कहना चाहूँगा, आपने जो ये प्रश्नोत्तरी का सेशन आप रखते हैं, मेरी ये तमन्ना है कि आप इसे मतलब कभी ख़त्म ना करें। बिल्कुल। क्योंकि इसके बहाने आपसे साक्षात्कार हो जाता है और आपकी कथाएं हम सुनते हैं, तो जिन चीज़ों में हम कन्विंस्ड हो जाते हैं उन्हें हम पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर जो बात हम मतलब जो कन्फ्यूज़ करती हैं तो इसके बहाने हम उन्हें पूछ लेते हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा आभार है जो आप ये असेंबली और ये प्रश्नोत्तरी आप करते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए।